गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स. उम्मीद है आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा क्योंकि पेपर का लेवल सिंपल था. टोटल 10 सेट में पेपर आया था. आज 2 फरवरी 2021 ए से लेकर जे तक मैंने 9 सेट ऑफ पेपर डिस्कस कर दिए. लास्ट के लिए भी बच्चों के लगातार रिक्वेस्ट आ रहे थे, मैम उतना खोज के मिलाना मन नहीं कर रहा, प्लीज सेट ई का डाल दीजिए. तो लास्ट सेट सेट ई का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूं. 100% करेक्ट सॉल्यूशन होगा. मिलाने के लिए तैयार हो जाइए बच्चे और कमेंट करिएगा कि आपका कितना आंसर करेक्ट हुआ. जल्दी जल्दी कराऊंगी, 10 मिनट में पूरा सॉल्यूशन डिस्कस कर दूंगी. जिन बच्चों को डिटेल में चाहिए होगा कमेंट करिएगा, उन्हें डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगी. क्योंकि अभी बच्चों को कल केमिस्ट्री का एग्जाम है, बच्चे चाहते हैं सिर्फ आंसर मिलाना, इसलिए मैं सिर्फ ऑप्शन टिक करती चलूंगी. सेट ई, तो चलिए चलते अब अपने स्क्रीन पे सेट ई के साथ. सेट ई आपके सामने है. 2 फरवरी का ये पेपर है और इसे रेशनलाइज करूंगी तो सेक माइनस टेन आएगा. सेक के साथ इनटू करेंगे बी ऑप्शन. 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर बी ऑप्शन. कॉट स्क्वायर का होगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट और 1 का एक्स सी ऑप्शन. एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 9/2 माइनस 0, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का एक्स. ये आंसर आ गया 8/3 + 2 = 14/3 करेक्ट आंसर होगा. ये मॉड कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स है. कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 से π/2 बी ऑप्शन हो गया. डीएक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, एक बार लोअर लिमिट एक बार अपर लिमिट, log 2 - log 1 ये 0 log 2 आंसर. log cot थीटा में ये प्रॉपर्टी लगाऊंगी, tan थीटा 0, ये हो जाएगा 2 × 0 से π/2. इवन है इसलिए cos x ए ऑप्शन. ये प्रॉपर्टी लगाने से π/4 आ जाता है, फेमस क्वेश्चन है ये. और अब e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम, अपर लिमिट डाल देते हैं लोअर लिमिट डाल देते हैं सी ऑप्शन. ये 1 1 1 और 1. ए की पावर एक्स का सेम इनटू लॉग ए, अल्फा से बीटा बीटा से अल्फा 0. ये 2 tan inverse का फॉर्मूला, 3 sin inverse डायरेक्ट फॉर्मूला. ये सिमेट्रिकल है इसलिए 0. इसको जब आप इवेलुएट करेंगे सेट डी और सेट ए में, मैंने इसे इवेलुएट किया है, ए क्यूब निकालेंगे 4a. ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एच और एच, जी और जी, एफ और एफ सेम है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में बी ऑप्शन. ओरिजिन से इसकी दूरी देखिए बगल में √50 है. इन दोनों की आपस में दूरी 13 यूनिट आएगी. कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, आंसर 1 आएगा. साइन एक्स को टी मानेंगे, ये डी टी, टी डी टी, टी स्क्वायर बाई 2. 4 α 16 है, अल्फा 4 आ गया. टेन इनवर्स 145, ये π/2 और कॉस π/2 0. लेमडा ए यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसकी वैल्यू ये 2 है. लेमडा इक्वल टू 1/2 होगा. इसका मॉडुलस ये रहा. अब इस रूट को हाफ कर लेंगे, लॉग एक्स का 1/x हो गया. दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2x का 2 sin का cos, फिर से 2x का 2 cos का - sin, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया. एक्स वाई जेड एस टी पी, ऑर्डर सेम, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड के बाद एक्स. ई की पावर एक्स का सेम और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, डी ऑप्शन करेक्ट. ये एक्स आगे आ गया log 3 कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 1/sin x कॉसेक होता है, कॉसेक का डेरिवेटिव ये e टू दी पावर एक्स का सेम.
आई क्रॉस जे के होगा, के क्रॉस के जीरो होगा। ये क्वेश्चन वैसे तो रॉन्ग है, फिर भी दोनों में कोई भी ऑप्शन आप करेक्ट टिक कर सकते हैं। बेटर है उस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ दिया जाए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। के अब जे के आई, आई के बाद जे, जे के बाद के, ऑर्डर में है इसलिए बी ऑप्शन। ये है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर वन होता है। इन दोनों लाइन के बीच डॉट प्रोडक्ट जीरो है इसलिए थीटा 90 होगा। अगर इवेंट, अगर ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो ये इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में बदल जाएगा 77। टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, बी ऑप्शन। ये रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2 √x और कॉट का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सी ऑप्शन। ये तो 3 sin inverse का फॉर्मूला है, इसका डेरिवेटिव करूंगी 1/√(1 − x²). साइन का कॉस होगा रूट एक्स का 1/2 √x, 2 constant टेन इनवर्स का 1/1 + x²। ये लिमिट की प्रॉपर्टी है जो एन ए एन माइनस वन कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव जीरो, ये दोनों एंगल सेम पाई बाई टू डेरिवेटिव जीरो, dx/x log x हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। ऑर्डर ये 2 बार डिफ्रेंसिएटेड, ये 1 बार, 1 और 2 में ऑर्डर 2 हो जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा आएगा, x² का x³/3 और 1 का x हो गया। a² = b करेंगे लेमडा 1 आ जाएगा। अब यहां से देखें a, जब इस a का डिटरमिनेंट लूंगी 1 × 1 = 0। ब्लड आया, बच्चे ब्लड ही भेज पाए आई एम सॉरी, लेकिन जो बच्चा भेजा है उसकी रिक्वेस्ट है कि मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड करूं, इसलिए कर रही हूं। प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर 2 वेक्टर यूनिट है, आंसर 2 हो गया। ए डॉट बी होगा 2 × −1 − 1 × 1, 2 × −1, ये आ गया −5, बी ऑप्शन। कोई 2 सेम है तो एसटीपी 0। आई क्रॉस के है −j होगा, ए क्रॉस बी −b x a होगा। और अब सब्जेक्टिव आ गया, डियर स्टूडेंट, अब शायद सब्जेक्टिव बचा है, इसका मतलब ऑल ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने ऑल, अच्छा नहीं कुछ ऑब्जेक्टिव है, देख लेते हैं। यहां जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x = 0 है। अच्छा, आंसर कुछ इस टाइप का आया था। इस क्वेश्चन का मैं गलत आंसर देती गई, ध्यान नहीं दी। एक्स की वैल्यू 0 ± 1, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये पहला सेट है जिसमें इस क्वेश्चन को मैं गौर से देखी हूं कि एक्स पूछा है। मैं सोच रही थी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछा है। a + a transpose π/3 आ जाएगा। a + a transpose एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये इंडिपेंडेंट है इसलिए इनटू आएगा। pa + pa bar 1 होगा इसका। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, आंसर 16 होगा। ये log2 constant dx का इंटीग्रेशन x होगा, सी ऑप्शन। परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जे क्रॉस आई जे के एसटीपी क्योंकि सिमिलर ऑर्डर में है तो आंसर 1 हो जाएगा। log x × 1 सेकेंड फंक्शन, ये 1, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। ये मैपिंग का क्वेश्चन है, a का 1 से, b का 2 से, c का 3 से, सॉरी c का भी 2 से, ये मेनी 1 है क्योंकि 3 किसी से अटैच नहीं है इसलिए ये इनटू है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इनवर्स निकालना है, ए ऑप्शन। ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन होगा। ये ई की पावर एक्स कांस्टेंट है, आंसर ऐसा आएगा। 3 बार डिफ्रेंसिएट करना है 24x, रूट एक्स का 1/2 √x, बी ऑप्शन। ई की पावर एक्स का सेम और 2x का 2, ये एन आगे आ जाएगा और लॉग एक्स का डेरिवेटिव
1/x हो जाएगा, और ये तो मैंने अभी अभी बताया, ये cos square plus sin square 1 आ गया, integration b होगा, ये minus pi by 2, a square 3a आएगा, a dot a, mod a का whole square, pa plus pa bar है 1 होगा, sin 2x का 2 cos 2x, tan k का k sec square kx, x का x square by 2, 2 का 2x, ये 3 minus 1, 2 आ गया, माइनस आ गया tan 30 डिग्री आ गया sec plus cosec pi by 2 और sin pi by 2 1 इसे सॉल्व करेंगे तो ये अंदर 1 आ जाएगा tan इनवर्स 1 pi by 4 क्योंकि ये सिमेट्री टाइप का कुछ है इसलिए इसका डिटरमिनेंट 0 है ये भी सिमेट्री है a b c b c a c a b इसका भी 0 होगा cos 0 1 1 का डेरिवेटिव 0 root x का derivative 1 upon 2 root x cos और sin pi by 2 ये minus आगे आ जाएगा cot का reciprocal tan होता है 70 minus 70 d option correct हो जाएगा और dear student मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारा set E वैसे तो बहुत blurred था लेकिन फिर भी जो बच्चा इतने मेहनत से भेजा मैंने उसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा कर दिया और आप बच्चों से बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारे सॉल्यूशन को इतने जगह शेयर करिए कि बिहार बोर्ड के हर बच्चे तक हमारा सॉल्यूशन पहुंच सके मैंने ऑल सेट डिस्कस किया ए से लेके जे तक ऑल 10 सेट डिस्कस किया 1:30 बजे से लगातार बच्चों से बात कर रही हूं उनके हर क्वेरी को कर पूरा कर रही हूं अब आपकी बारी है बिहार बोर्ड के एग्जाम खत्म होते ही आपका क्या लक्ष्य है अब उसे पूरा कराऊंगी आपका लक्ष्य एनडीए है आईआईटी है फोर्स में जाना है सीडीएस ऑफिसर बनना है बैंक में जाना है बीएचयू से ग्रेजुएशन करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है यूपीएससी करना है बीपीएससी करना है हर सॉल्यूशन हमारे इंस्टीट्यूट में है मैं मैथ्स पढ़ाती हूं हर एग्जाम के लिए गेट आईआईटी बीसीए एमसीए सीए फाउंडेशन लॉ कुछ भी हो मैथ्स के लिए मैं हूं बाकी के लिए हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं स्क्रीन पर आपको मेरा फोन नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर है जो चाहे मैथ्स से रिलेटेड अपनी प्रत्येक क्वेरी को पूरी कर सकते हैं आज इसी के साथ आज का पूरा सेकंड हाफ बिहार बोर्ड के बच्चों के सॉल्यूशन के नाम हो गया पूरे दिन कोचिंग में टेस्ट रखकर आपके लिए डेडिकेटेड थी डेवोटेड थी इस कुर्सी से मैं नहीं उठी हूं 1:30 बजे से हर सेट के बाद 5 मिनट का ब्रेक ली हूं पानी पी हूं और पूरा पढ़ाई हूं तो आप बच्चे अगर नए व्यूअर हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा फेसबुक पर शेयर करिए इंस्टा पे शेयर करिए स्टेटस लगाइए जैसे मैंने लगाया है मेरी पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके थैंक यू सो